लगा ली खाने की। सुबह 7:05 के नजारे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज तो इतनी ठंड पड़ रही है, मैंने सुबह दिखाया था, मैं बाथरूम करने गया था, मेरा मन तो कर रहा था कि छत पे आकर दिखाऊं, पर ठंडी इतनी हो रही थी कि मैं गया ही नहीं। फिर आगे मैं सो गया। अब सोने के बाद मैं जैसी जगह अपनी वीडियो अपलोडिंग पर डाल दी है और अब पी रहा हूँ चाय। और चाय 3-4 बार मैं गर्म करके ले आया, बार ठंडी होती है। अभी इस हीटर के सामने रखी है, तो हीटर भी लगा लिया मैंने यहाँ पे, इतनी ठंड हो रही है। और मेरी सिम्मी अपने गुब्बारों से उठ सुबह से उठ के खेलने में लग गई। सिम्मी को गुब्बारे से आवाज़ होती है ना, कैं 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 करके वो करने में हम मजे आते हैं इसको। तो संग में खा रहा हूँ मठरी जो कि कल लाए थे पापा। इससे अच्छी एक मठरी और लगती है, वो बिल्कुल पतली होती है, 3 रुपए वाली, वो अच्छी लगती है। दीदी का पेपर और काफी भी हो गई। अरे यार तुम चप्पल पहन ली, मेरी चप्पल दो। हमारी सिम्मी देखो हीटर घीट के बैठ गई जी, और इस साइड का एरिया सिम्मी ने गर्म कर लिया बिल्कुल। हाँ जी, ने अपना बैलून भी गर्म कर लिया है दीदी। हाँ, और दीदी का आज पेपर है, तो दीदी सुबह सुबह उठ के तैयार हो गई है और मैं इनके लिए चाय लेने के लिए जा रहा हूँ। चलिए चाय गर्म करके ले गया। बार बार ये भूल जाता हूँ कि गेट फेरना, जितना कमरा गर्म होता है ना फिर ठंडा करता। ये सिम्मी का बड़ा बढ़िया लगा मुझे। पीनी चाह चुकी है मम्मी ने बनाई गर्मा गर्म चाय, तो हमको एक और मौका मिलेगा चाय पीने का, है ना। चलो दे दो ग्लास में दे दो। चलो ठंड बहुत है, हमारी सिम्मी देखो दोबारा बना मत कर, चल मैं मारूंगा तो तू ले ले। अब आ तू अम्मा, मार दिए मैंने सिम्मी में 3-4 अच्छे तरीके से, 2 मारे वो हल्के से, लाओ इसमें 2। अब ये बहुत यार ठंड, तो अरे बाबा तो रजाई में बैठे रहे, साथ ग्लास चाय पीते रहे और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहे। और बाहर वाले जो कुत्ते हैं तो उनको भी थोड़ा थोड़ा खाने को देते रहे। और हीटर जरूर चलाए क्योंकि हीटर आपकी चाय को ठंडा होने से बचाएगा, प्लस आपके पैरों को गर्म करेगा। तो ये रही हमारी हीटर की लाइट, छू जल जा, देख रहे हो मैं जादू तुरंत जला दी मैंने। अरे बाबा, चाय पीते पीते मैं अपनी वीडियो का थंबनेल भी बना रहा हूँ। अभी चाय तो मैंने पी ली है और अभी मैं रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत आज मैं स्कूल ले गया तो पढ़ लेता हूँ, मैथ के सवाल वगैरह कर लूंगा और हिस्ट्री से भी मैं थोड़ा बहुत याद कर लूंगा। हो रहा है बहुत ज्यादा अंधेरा। अरे यार सर्दी ने मेरी बुरा हाल कर दिया। चलेगी मेरा मन तो रह कर रहा है यहाँ पढ़ने का, वह कमरे में बैठे पढ़ते कॉपी किताब मिलता हूँ बस यहाँ से। बहुत ठंडे हैं यहाँ पे, पहले बच्चे ही पढ़ने के लिए आ चुके हैं तो अभी दीदी उनको पढ़ा रही है। दीदी भी आ चुकी है अपना एग्जाम देकर, ला के आराम से उसमें बैठ के पढ़ेंगे अपना। अभी एक कमरे में तो अभी गर्मी है क्योंकि हीटर चल रहा है बहुत देर से। अपनी जिम्मी तो यहाँ पे आराम से सो रही, उम्मीद है भाई ये देखो आराम से सो रही है अपना बैलून लेकर। हीटर भी ऑन कर लूँ, सिम्मी कमरे में बैठी हो ना तो हीटर बंद कर चला जाता हूँ। मम्मी कहते हैं हीटर बंद करके चलाएंगे तो जल जाएगी, 2 बार गिरा चुकी है हीटर को अब तक। यहाँ कौन है, मैं बैलून लेके घुस गई तो अपने पिछवाड़े में इस पर रखा और ये पूरा ऐस कर गया, इसके ऊपर गिर गया, वो सही है जली नहीं थी हमारी। अभी भी नींद में है, मैं तो नहाया भी नहीं हूँ अभी, मम्मी ने मना कर दी। और अभी टाइम खुरा है, 4:18 हो रहे हैं, तो मैं मैथ के सवाल कर लेता हूँ थोड़े बहुत और इसी से याद कर लेता हूँ। मैथ का तो हो चुका है और दीदी भी आ चुकी है। और मैथ के मैंने अभी अपने फॉर्म भी ले देखे साइन कॉस वाले, तो मुझे पता चला कि मेरा वो साइन कॉस वाला फॉर्मूला है ना तो पेज निकल गए, तो ये वाला पेज मेरा पता नहीं कैसे फट गया। अब दीदी कह रही है कि गूगल से निकाल के लिख ले सब, तो अब वो लिख रहा हूँ, उससे पहले हिस्ट्री से विक्स का याद कर रहा हूँ। ये आगे सीधे अपना हाथ तापने बैठ गई मुझे पीछे करके। हाँ चुई का सही है, पौजुई आराम से सोई जुई। हिस्ट्री सिविक्स का याद करने के बाद मैं अपना बेसमेंट में पर्दा लगाने के लिए चला गया था। तो तुम क्या बना रही हो? टमेटो सूप। और दीदी बना रही है पैकेट वाला टमेटो सूप। और मम्मी क्या की दाल है? मैं दाल के नाम से कंफ्यूज हूँ, मूंग की। ओ मेरी कचौड़ी रह गई, चल चल भैया ने मिल मंगाई एक बची है लास्ट। सॉरी दिस इज नॉट माय बिजनेस। तुम गरीब भारतीय लोगों को यही पैसा लाती है, मैं मार हर चीज में अच्छी राजनीति करती हो तुम।
यू आर पुअर गर्ल भूख लग रही है तो पढ़ रही होगी तो फ्री है ये और मेरी सिमी जुई ने क्या पहना है दिखाऊं जुई मेरी जुई ने मेरी मस्त सुंदर लग रही है इसमें क्या लिपस्टिक लगाऊंगा घर जाकर तो मम्मी की चुरा लूंगा लिपस्टिक कर लगाऊंगा पांचवी तुम लिपस्टिक मत लगा तुम ऐसी क्यूट लग रही हो जुई ले दो है अब तो खा लो और सूप अच्छा बनना चाहिए देखो तुम्हारी पेंस सन का काट लूंगा मैं लिमिट में रेखा लिमिट में आ मैं तो ले लिया ये अपनी कचौड़ी सब्जी कम छोड़ूंगा इसके लिए ले ले हमसे पंगा मम्मी कुत्ता कह रही है अब देख रही हो अमीर नाम की चीज ना है अरे हाँ जी आगे बैठी इसमें बैठ रही है पीछे बैठती तो तमीज होती कायदा होता बात करने का सूप भी बन गया और ये भी कचौड़ी बन गया सर के आने का भी टाइम हो गया उससे पहले खत्म कर दूंगा खा पी के देखू कैसा है ओ मम्मी बिल्कुल भाई का टेस्ट है जैसे तुमने कल मंगाया खाओ अरे बहुत अच्छा टेस्ट है भाई आगे तो चल मैं तो अपना लेके चलो प्लेट का अभी सीधे ये बोल लेगी सब तुम्हें सिखा दूंगी ना तो अभी देख रही हो मेरी सिमी बड़ी तमीज से बात करती है मुझसे जब मैं उससे कुछ भी कहता हूँ ना तो मुझसे कहती है बस इनकी वजह से सुबह से हीटर चल रहा है बेचारा हीटर भी कह रहा है बस अब तो बंद कर दे अब तो बंद कर दे और क्या कर रहे हैं जब तक ठंड रुक नहीं जाती तब तक तुमको हम बंद नहीं कर सकते हाँ कमरे में आके टोबा उतारने मन करता बस तो भी पी लिया है और उससे पहले मैं ये बाल अपने थोड़े बहुत सही कर लूँ और मम्मी ने बनाया है खाने में दाल और रोटी तो प्याज तो मैं काट ही लूंगा हमारी सिम्मी हीटर के आगे अपना मुँह सेक रही है हीटर थोड़ा मैंने बंद कर दिया है क्योंकि मैं बाहर था सिम्मी को हीटर के संग छोड़ना गलत रहेगा बाल बाद में काटूंगा अभी ट्यूशन वाले सर आ गए तो पहले ट्यूशन पढ़ लेता हूँ भूख ले ली है हाँ सर आ गए मम्मी चाय बना के दो बार आ जाओ ठीक है पर्दा जो है मैंने बेसमेंट में इस तरीके से लगाया है यहाँ से है जाने की जगह ये जलाई लाइट और सर बैठे हैं यहाँ पर तो मैं पढ़ा कर जा चुके हैं और मैं भी अभी चलता हूँ ऊपर सबसे पहले बंद करता हूँ लाइट और स्कूटी भी मैंने अंदर कर दी है अपनी सब भूख ले लेता हूँ खाना खाने के लिए भूख लग रही है मुझे और मम्मी ने जो आज चाय बनाई थी अदरक की और गुड़ की भाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चाय और दाल बनाई है दाल गर्म है गर्म नहीं है गर्म कर लूँ गर्मा गर्म दाल खाने में मजा आएंगे फ्राई पैन कहाँ है ये रहा फ्राई पैन कह रहा हूँ कि और खाना खाने के बाद मैं कर लूँगा अपना व्लॉग एडिट जो कि डालना है मुझे कल और भाई ठंड वगैरह बहुत ही ज़्यादा हो रही है तो आप सभी टोपा लगा के रखें मैं गलती से टोपा उतार देता हूँ मैं बड़ा अजीब लगता है मैं कि बाल बाल तो बाद में देखेंगे अभी बाल देखो ऐसे हो रहे हैं जम्बूरे ऐसे पहन नहीं पा रहा है कहाँ से और जैसे कि मैं कहीं अलग अकेले गया हूँ दावत वगैरह खाने के लिए या कुछ लेने के लिए पड़ाके वगैरह खा रहा हूँ अकेले खा रहा हूँ तो ये दोनों रख दिया मैंने दोनों जैसे कि पड़ाके खा रहा हूँ पड़ाके दिखाया और ऐसे खा रहा हूँ अब कायदा कैसे होता है हाथ यहाँ ये रहा दोनों फिर ऐसे क्या खाओ या ऐसे क्या खाऊँ बता सा तो इसलिए मैं ज़्यादातर अपने संग ना दीदी वगैरह को लेके चलता हूँ कि वो मेरी कैमरामैन बन जाएंगी वो मेरा कैमरा पकड़ के मेरी ब्लॉग बना देंगी ये व्लॉग बनाते बनाते दाल गर्म हुई नहीं दाल उठा ली मैंने और फिर तो गैस चला के रख रहा हूँ मैं कह रहा गर्म हो गई वैसे हुर हुर करके खोल लेना उसको चला दूँ चलाऊंगा ना तब सही से होगी ऐसे मेरा कल टमाटो सूप के साथ हुआ टमाटो सूप का जो ग्लास होता है वो तो पूरा खोल गया देखो इसकी खोल गया मुझे लगी अभी गर्म हो गई अब मैंने इसको चलाया नहीं अब चला रहा हूँ अरे उल्टे हाथ से चला रहा हूँ अभी गिर गई हल्की सी मम्मी बड़ी मेहनत से साफ करती है मैं गिरा के चलाया था पर कोई बात नहीं कभी कभी मैं भी किचन साफ कर देता हूँ ना चलो अब गर्म हुई है अब चोरी भी निकल आई मोबाइल को लेते हैं साले हाथ से क्या हुआ मैं दिखा रहा तो मैंने खा लिया खाने की प्लेट और खाने की प्लेट में है दाल रोटी और प्याज और मीठे में है गुड़ मैं ये बोलने वाला था और इतने में क्या हुआ मेरा मोबाइल छूट गया दाल में घुस गया और मोबाइल फिर मैंने साफ करा
और हीटर चला के अब खाना खाना। ये अपने हीटर की नीचे वाली रॉड भी बेकार हो गई, बड़ी मुश्किल से करी थी फिर से बेकार हो गई, इसलिए मतलब बेसमेंट में पर्दा लगा लिया कि आते बेसमेंट में अपने शुरू शुरू में लगती है गर्मी, फिर अचानक ठंड बढ़ जाती है उसमें। अब खाना खा लेता हूँ, ठंडों में तो ज़्यादातर गर्मा गर्म खाना ही पसंद आता है, गर्मियों में ऐसा लगता है कि गर्म थोड़ा ठंडा हो जाए तब खाऊंगा, और ठंडों के टाइम पर तो ऐसा एकदम गर्मा गर्म दाल हो या जियारी दाल हो उसके अलावा एक ये दाल एक है अरी दाल और पालक पनीर, आह फिर तो मज़े ही आ जाते हैं। और गर्मा गर्म रोटी हो एकदम फूली फूली घी लग के और गुड़ के तो फिर अलग ही मजे है ठंड में। खा लिया और दूध भी ले लेता हूँ, दूध पीते पीते करूँगा एडिटिंग मस्ती। अरे अपना याला दूध भी खोल चुका है, इसको भी बंद कर देता हूँ। गर्मा गर्म दूध था तो मैंने थोड़ी सी इस ग्लास में ले लिया दूध और फिर डाली थोड़ी सी चीनी, और कॉफ़ी का पाउच रखे थे तो मैंने एक पाउच डाल लिया कॉफ़ी का और कॉफ़ी बना ली अपनी मस्त सी। अब कॉफ़ी पीटे पीटे डरता हूँ, अरे तोतला हो गया, कॉफ़ी पीते पीते एडिट करता हूँ, कभी कभार मैं तोतला सा हो जाता हूँ। हमारी सिम्मी के मजे हैं, बस सोते रहो अपना एक खिलौना लेके वाइट कलर का बैलून। कॉफ़ी पीते पीते अब करूँगा अपना ब्लॉग एडिट, और इसी ब्लॉग को करते हैं पे एंड। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा, ब्लॉग पसंद है ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कैसा आया ब्लॉग, चैनल बनाया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं कोई तरीका है भीख मांगने का अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।